व्यापारिक तौर पर बाजार में बड़े ब्रांड्स के नामों से आने वाले सभी घी प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है किमोज किचन घी, क्योंकि एक लीटर असली या शुद्ध घी 25 से 30 लीटर दूध से बनता है। धीमी आंच पर बिलोना प्रोसेस के साथ बनाए गए घी में न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल विटामिन्स भारी मात्रा में होते हैं। किमोज किचन घी शुद्ध ऑर्गेनिक बिना मिलावट के देसी और पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। किमोज किचन घी खासकर आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, साथ ही बोन्स और मसल ग्रोथ में भी मदद करता है। किमोज किचन घी ऑर्डर करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कौसा कोविड सेंटर को लेकर गरमाई राजनीति, एनसीपी बीजेपी एमआईएम तीनों कूदी मैदान में। भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की पहली लहर के दौरान कौसा स्थित मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में म्हाडा के सहयोग से ठाणे मनपा ने एक कोविड सेंटर बनाया था। लगभग 100 यहाँ बेड थे वेंटिलेटर्स के साथ में, और कई सारी सुविधाएं यहाँ पर कोरोना मरीजों के लिए की गई थी। शुरू में कुछ शिकायतें थी जिसे दूर करने के बाद में ये कोविड सेंटर बेहतरीन कोविड सेंटर के तौर पर सामने आया था। अब यही कोविड सेंटर विवादों का केंद्र बना हुआ है। विवादों का केंद्र इसके लिए कि सबसे पहले इस कोविड सेंटर बनाने की जिसने पहल की थी वो कलमामुरा के विधायक, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड। इन्होंने दो दिन पहले खुद इस कोविड सेंटर का जायजा लिया, क्योंकि ये कोविड सेंटर फिलहाल बंद है, इसको बंद रखा है। मनपा इसको आगे नहीं चला रही है, और म्हाडा ने पिछली बार इस कोविड सेंटर का 3 करोड़ रुपए किराया मनपा से मांगा था। ऐसे कई सारे विवाद हैं, और इसकी मियाद जो थी वो जनवरी में ख़त्म हो रही थी, इसीलिए अब इसको बंद रखा गया है। तो इस बंद कोविड सेंटर में जो सामग्री म्हाडा की तरफ से लगाई गई थी उसका जायजा लेने पहुंचे थे विधायक तथा गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ठाणे मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राजू मुरुडकर पर यहाँ से 94 वेंटिलेटर्स आईसीयू के जो है ले जाने का आरोप लगाया, और कई सारा सामान भी जो यहाँ से ले जाने का आरोप लगाया। अगर उन्होंने ये सामान वापस नहीं लाया तो उनके खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस खबर के आम होते ही अब भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ये दोनों इस विवाद के चलते मैदान में कूद पड़े हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया शनिवार को इस कोविड सेंटर को देखने आ रहे थे, तो वो देखने तो पहुंच नहीं पाए क्योंकि रेती बंदर पर ही एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध भी किया, वो भी हम आपको दिखा रहे, और पुलिस ने उनको वहां पर रोक दिया। उसके बाद कलवा पुलिस स्टेशन ले गए, जहां से कुछ घंटों के बाद उन्हें वहां से रिहा कर दिया गया। वहीं एमआईएम के एक नगर सेवक के प्रभाग 33 के शाह आलम शेख ये कोविड सेंटर गए। उन्होंने कोविड सेंटर की दुरावस्था दिखाई और सवाल उठाए कि कैसे यहां पर जो है यहां से ये सामग्री चली गई। घोटाले के आरोप लगाए जा रहे, और घोटाले में सत्ताधारी पार्टी मनपा प्रशासन इन पर एक दूसरे के सहयोगी होने का भी आरोप अब एमआईएम के नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है। भाजपा नेता भी लगभग यही सुर आलाप रहे, मगर खुद विधायक और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पर ये आरोप पहले ही लगा चुके हैं। अब देखना यह है कि ये कौसा का मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम स्थित कोविड सेंटर लोगों के लिए शुरू होता है या नहीं होता है, या फिर एक बार इन विवादों के चलते कौसा मुमरा के कोरोना मरीजों को यहाँ वहाँ दर दर भटकना पड़ता है। जी उत्तम आरोग्याची सोय कळवा आणि मुंबऱ्यामध्ये केली होती म्हाडाने, ती परत सुरावी करावी ह्या हेतूने मी काल मुंबऱ्याला परमा मुंबऱ्याला भेट दिली। बघितलं तर सगळं अत्यवस्थ, कशाला कशाचा थांबपत्ता नाही। तिथले डॉक्टर जे ठेवली होती वॉचमनना विचारलं, तर त्यांनी आश्चर्यकारक बाब समोर आणली। ठाणे महानगरपालिकेचे अधिकारी मुरुडकर, डॉक्टर मुरुडकर, हे 94 व्हेंटिलेटर्स हायफ्लो नॅसल कॅन्युला म्हणजे असे अनेक अवजारं जी गरजेची आहेत आज तिथे, ती घेऊन गेले। काही लोकांना भाड्याने घेऊन टाकले। अरे काय तुमच्या बापाचं आहे काय? आज लोकांना अत्यंत गरज असताना, तिथली व्यवस्था उत्तम असताना आज आमच्याकडे एक अवजार नाही? आणि ते काय ठाणे महानगरपालिकेच्या मालकीचं होतं का? ते म्हाडाच्या मालकीचं होतं। कोणाची परमिशन घेतली तुम्ही हे सगळं चोरून घेऊन जाताना? आणि काढण्याची पण काय पद्धत असते की नाही? तोडून काढायचं, आता ती पाईपलाईन परत जॉईन कोण करणार?
म्हणजे इतके बेजबाबदार ज्यांना माणुसकीशी नातं नाही असे कसे काय अधिकारी ठेवले त्या ठाणे महानगरपालिकेमध्ये? मी डॉक्टर मुरुडकरांना सांगितलेलं आहे, अधिकाऱ्यांनाही सांगितलं आहे, मला पुढच्या 48 तासामध्ये माझं हॉस्पिटल आहे, माझं नाही म्हाडाचं हॉस्पिटल आहे तसं करून द्या, नाही तर चोरीचा गुन्हा दाखल करू आम्ही सगळे म्हणून। सर ती अवजार तुम्ही म्हणतात कुठे दिली आहेत त्यांनी? आता मला काय माहिती त्यांनी कुठे दिली आहेत? तुम्ही घेऊनच काय गेले आमची अवजार? विचारलं कोणाला तुम्ही? तुमच्या तुमच्या मालकीची आहे का ती? उद्या आम्ही गेलो आणि शिवाजी हॉस्पिटलमधून एखादं व्हेंटिलेटर उचलून आणलं आणि घेऊन गेलो कुठे दूर लावायला, चालेल का तुम्हाला? सर काही पद्धत आहे की नाही? एकूण त्याच्या पूर्ण ह्याची किंमत किती किमतीची होती ती अवजारं पूर्ण आता? आणि म्हणजे माझ्या अंदाजाने तरी 12-14 कोटी रुपयाची अवजारं होती। पण हे सगळं सोडून द्या, एक डॉक्टर म्हणून त्याला कळायला नको की इथे पण आता पेशंट्स येतील, गरज लागेल, हे हॉस्पिटल व्यवस्थित परत सुरू करायला पाहिजे। ते बांधून आम्ही घेतलं, 15-20 कोटी रुपये खर्च त्याच्यावर आम्ही केले, त्याचे भाडे आम्ही देतोय, आणि कोण हे मुरुडकर? कोणाच्या कोणी लिहून दिलं त्यांना तुम्ही घेऊन या? एक तर त्याला सस्पेंड तरी करा, त्याला बाजूला तरी काढा, नाही तर ताबडतोब आमचे जेवढे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत तेवढे लावून देण्याची व्यवस्था करा। ही अजिबात फालतूगिरी आम्ही खपून येणार नाही। आज उद्धव ठाकरे जी की सरकार के घोटाले के कारण महाराष्ट्र कोविड में मर रहा है। नए सेंटर खोलने चाहिए, उस समय पर जो कौसा कोविड सेंटर चल रहा था वो भी बंद कर दिया गया और उसका सामान गायब हो गया। उसकी आज मैं विजिट करने के लिए जा रहा था। अब ठाकरे सरकार चाहती है कि मैं वो सेंटर देखकर वो घोटाला जनता के सामने न रख पाऊं, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश से मुझे रोका जा रहा है। कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे जो है लाइव आकर जो है लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी थी, उस पर आप क्या कहेंगे? उद्धव ठाकरे जी खुद तो घर के बाहर निकलते नहीं है, हम सेंटर में पेशेंट की विजिट करने जाते हैं, वो भी उनको मंजूर नहीं। घोटाला बाहर आना पाजे, घोटाला बाहर आना पाजे, घोटाला बाहर आना पाजे, सर वाजे प्रकरण पे क्या कहेंगे आप? वाजे प्रकरण पे जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार नए कोविड सेंटर शुरू करने के बजाय एक के बाद एक कोविड सेंटर बंद कर रही है, उसका सामान चुरा के भगाने जाते हैं, और हम जवाबदार विरोधी पक्ष नेता के नाते अगर विजिट करने जाते हैं तो हमें भी गिरफ्तार किया जाता है। शर्म की बात है, भगवान उद्धव ठाकरे जी को सद्बुद्धि दे। भारतीय जनता पार्टी का विजय हो, कोई सेंटर बंद कर धोखा लग पाजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू हूँ, मैं शाहआलम आजमी नगर सेवक गुमराह कौसा एम आई एम कारपोरेटर हूँ। मैं अभी इस वक्त आया हूँ अपने शहर के जो हमारा कोविड सेंटर जो बना हुआ था, इस वक्त मैं उस हॉस्पिटल के अंदर हूँ और मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल की हालात क्या है। आप देख सकते हो तमाम जगह के तमाम चीज़ें देखिए, हॉस्पिटल के सारे बेड भरे हुए थे, देख लीजिए आज इसकी हालत ऐसी है। और जैसे कि कल मंत्री महोदय ने जो हमारे मंत्री महोदय जितेंद्र अवार्ड साहब ने बताया था कि इसके तमाम सामान जो गायब हो चुके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 94 वेंटिलेटर थे, आज जब मैं आया हूँ अभी इस वक्त तो हमारे पास 58 वेंटिलेटर वापस आए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बोलते थे 96 मशीन उसकी थी चेक करने की, डायलिसिस मशीन 5 थी, सोनोग्राफी मशीन 1 थी, एक्सरे वाली मशीन 2 थी, और एक्सरे ये थी, ऐसे मिला के तमाम चीज़ें जो हमारी थी इस वक्त
हमको सिर्फ रिटर्न में 58 वो वेंटिलेटर आए, बाकी जो हमारे पास थे 98 वो कार्डिक बेड थी वो अभी तक नहीं आई है। एसी के सिस्टम हमारे सब निकल चुके हैं। आप देख रहे हो ये हॉस्पिटल जो बनाया गया था जनाब माननीय मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने महाड़ा के से ये बजट लाए थे। मैं ये प्रशासन से और शहर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो हॉस्पिटल बना था, आपको मालूम है कि आज ये हालत है, कोविड जिस तरीके से रिटर्न हुआ है, इसी हालत ऐसे ही यही हालत थी जब स्टार्ट हुआ था कोरोना। मुमरा के अंदर जब महामारी फैली थी हमारे यहाँ एक एक दिन में 27 डेड पॉजिटिव डेड हुई थी, एक एक दिन में 30 डेड हुई थी, मेरे पास लिस्ट है। तब ये महाड़ा के बजट से जितेंद्र अवार्ड साहब ने ये बजट लाया था और ये हॉस्पिटल बना था। तमाम शहर के देखो, हम लोग इसमें राजनीति करना नहीं चाह रहे, ना मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। आज हालत ये है कि हमारे पास कोरोना की वजह से हमारे मुमरा शहर के अंदर हॉस्पिटल है, ये जो 25 से 30 करोड़ रुपया लेके आए थे उन्होंने बजट से और उन्होंने ये काम किया था। उस वक्त भी मैं चिल्ला रहा था, मैंने ये कहा था कि जो पैसा यहाँ खर्च किया जा रहा है उस हॉस्पिटल में किए होते और तमाम मशीनरी उसमें फिट रहती तो आज हमारे को ये वक्त नहीं आता था, ना हमारे सामान यहाँ से वहाँ होते थे। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब महाड़ा का बजट था, ये महाड़ा का बजट था, तो इन लोगों ने थाना महानगर पालिका के अधिकारियों ने कैसे इस सामान को यहाँ से वहाँ किया, ये सामान क्यों उठाया उन लोगों ने। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से अभी ये जो हॉस्पिटल के हालात देखो आप खुद, तो मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके हमारे शहर का हॉस्पिटल के तमाम सामान वापस लाया जाए और इस हॉस्पिटल को स्टार्ट करने से बेहतर है इसको भी चालू करें। आप जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं, आज बालकुम का जो भी 1000 बेड का हॉस्पिटल है, एक सिंगल बेड खाली नहीं है, सिंगल बेड मेरी अभी बात हुई है, 100 पेशेंट अभी इस वक्त खाली इंतजार में है कि बेड मिले तो उनको एडमिट किया जाए। तो मैं ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस हॉस्पिटल को भी चालू किया जाए और जो हमारा थाना महानगर पालिका का हॉस्पिटल वो भी कम्प्लीट है, उसको सिर्फ ऑक्सीजन लाइन उसको करिए चालू कीजिए और बेड जो वेंटिलेटर है जो बेड है मशीनरी है उसमें फिट करो और उसको हमारे हैंड ओवर करो, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चालू करो कोरोना के पेशेंट के लिए उसको भी और इसको भी। तो मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि इसको जिस तरीके से आमदार साहब ने कहा ना 48 आवर्स के अंदर मुझे ये तमाम मेरी मशीनरी जो सामान है वो आना चाहिए, ना तो FIR कराई जाएगी। साहब के मैं इस बात में मैं हमारे आमदार मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में हूँ और इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए जिसके हाथ में ये हॉस्पिटल था, क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर बिना किसी अधिकारी की साइन के बगैर कोई सामान एक सामान नहीं आता था, कि इतने सारे सामान जो गए वो कैसे गए, किस अधिकारी के बोलने पे ये सामान लेके जाएगा, किस अधिकारी ने साइन किया या किसने बोला इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। और इस हॉस्पिटल को जितने लोग मैनेजमेंट में थे वो क्या कर रहे थे, प्रशासन से इनको क्या मालूम हुआ नहीं हुआ, कैसे गया इनका काम था, इन्होंने अपने मंत्री को क्यों नहीं बताया कि यहाँ से हमारे हॉस्पिटल से ये सामान जा रहे, इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। ना तो मैं खुद आमदार साहब ने जिस तरीके से FIR की बात की, मैं खुद FIR कराऊंगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्रिट सुमैया जो है, इससे पहले भी एक बार कोविड पीरियड में आने वाले थे कालसेकर पे, लेकिन फिर वो आए नहीं, पता नहीं किस वजह से। आज अचानक में उनको कोविड सेंटर की याद आई है और बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए शायद वो विजिट के लिए आ रहे। लेकिन मुझे बहुत ही शर्म, मतलब अपने लिए ये लोग जो है ना बहुत ही शर्मिंदगी की हरकत करते हैं, शर्मनाक हरकत कर रहे हैं इस तरीके का काम करके। क्योंकि जब जिस वक्त में कोविड से लोग बीमारी से भूखमरी से और जो है बीमारी से लोग मर रहे थे, उस वक्त इन लोगों को मुमरा की याद नहीं आई, आज अचानक में इन लोगों को भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, कोविड सेंटर नज़र आ रहा है। और अगर आप देखने जाएंगे तो पूरी हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि कोविड सेंटर जो है हमारा महाराष्ट्र में नंबर वन पे था, यहाँ से कई लोग अच्छे होके यहाँ से चले गए, यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। और पता नहीं क्यों ये लोग इलेक्शन नज़दीक आएगा तो इस तरीके की बदनामी करते हैं मुमरा की। देखिए यहाँ पे कोई सामान चोरी नहीं हुआ है ना कुछ हुआ है, अभी यहाँ पे सेंटर बंद करने की बात आई थी तो उसके ताल्लुक से हो सकता है कि कुछ सामान यहाँ वहाँ कमिश्नर की मर्जी से या जो भी मतलब शिफ्टिंग किया गया होगा, लेकिन कोई सामान यहाँ से चोरी नहीं हुआ है ना कोई यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। लोग अगर मतलब कुछ भी आरोप करते हैं तो हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, क्रिट सुमैया जो लोग पूरे देश को बेच दिए वो मुमरा की फिक्र करने लगे, मतलब मुमरा में फिक्र करने वाले लोग हैं। हमारे पास डैशिंग आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हाउसिंग मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि सामान चोरी का, सामान चोरी नहीं हुआ, हाँ कोविड हॉस्पिटल बंद हो गया था, कमिश्नर साहब की मंजूरी से
जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर भेज दिया गया था। वापिस से जिस तरीके से कोविड हॉस्पिटल चल रहा था उसी तरीके से कोविड हॉस्पिटल इंशाल्लाह बहुत जल्द मुमरा शहर के लिए वापिस खोल दिया जाएगा। ये हमारी डॉक्टर जितेंद्र अवर साहब ने इसकी पूरी मांगनी कर ली। और क्रिएट सोमैया आ जावे या कोई भी आ जावे, आ करके देखे ना, क्या करके देखना, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, पूरे देश में लूटा जा रहा है, पूरे देश के सारी चीज़ों को बेचा जा रहा है, इस हर चीज़ बेचा जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, बेचा जा रहा है, उसकी फिक्र नहीं, यहाँ की फिक्र कर रहे हैं। बोलना जहाँ पर उनकी दाल गलने वाली वहाँ जावे, यहाँ पर उसका कुछ होने वाला नहीं। और क्रिएट सोमैया आएगा तो हम पूरे राष्ट्रवादी की पूरी टीम, हमारी बहनें भी मौजूद है और नगर सेवक भी मौजूद है, हम उसकी गाड़ी के सामने बैठ करके विरोध करेंगे। हम बोलेंगे गो बैक, जाओ, तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, मुमरा शहर में बहुत शांति है और ये अमन की जगह है, यहाँ पर तमाम धर्म के लोग मिल करके रहते हैं। तुम्हारा काम है, तुम्हारी पार्टी का काम है सिर्फ नफरत को फैलाना, दो धर्मों को बांटना, ये काम यहाँ नहीं चलेगा। उनको हम यहाँ पर विरोध करेंगे और उनकी गाड़ियों के सामने और जिस तरीके से भी होगा हम उनका विरोध करेंगे, हम उनको यहाँ पर आने नहीं देंगे। वो बात ऐसी है कि जो उन्होंने आरोप लगाया है कि बगैर इन्फॉर्मेशन के, अगर ठीक है मुमरा शहर का जो कोविड हॉस्पिटल था ये बंद हो गया, अगर इसके सामान को कहीं पर भी इस्तेमाल के लिए देना था तो बगैर इन्फॉर्मेशन के कैसा लेकर गए, ये हमारा आरोप है। हम ये नहीं बोले कि ये बिक गया या बेच दिया गया, ये कहीं बेचा और बिका नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र क्यों किया गया, हमको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हमारे आमदार साहब को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, हमारे शहर के तमाम नगर सेवक मौजूद हैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, बगैर इन्फॉर्मेशन के कैसा उन्होंने काम किया। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब ने उसके ऊपर कहा है कि इसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, जिस पर सबसे पहले अवार्ड साहब ने ही आवाज़ उठाई। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, अधिकारियों ने यहाँ पर जो कोविड का सबसे बेस्ट अपना सेंटर बना था इसके अंदर की जो मशीन्स थी बंद होने के बाद उन लोग ने त्याने मशीन उचलून गले है ना, नंतर अवार्ड अंकल ने त्याने वार्निंग दिले कि मतलब हमको अपनी जो मशीन है वो वापस करो वरना हम लोग FIR करेंगे, आधी मशीन्स आ भी चुकी है। तो मुझे नहीं पता कि उनको किस चीज़ का ये उनको अपना यू नो एंड में वो केक बन गया है सिर्फ चेरी खाने के लिए आने के लिए चाहिए कि एंड में हमको क्रेडिट मिल जाए पूरा, वो उस चीज़ की सिर्फ एक कोशिश है। बाकी तो पूरा मैटर जब 15 वर्ष पासून फक्त मुमरा मध्ये अवार्ड साहब आणि NCPच आहे आणि आम्ही लोग हम लोग को NCP और अवार्ड साहब के अलावा किसी और की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी रहता है, सुख रहता है, दुख रहता है, अवार्ड सर ही आते हैं, NCP ही खड़े रहती है। जब भी कोविड में मुमरा के लोग इतने पीक पर बीमार थे, इतनी मुमरा की परेशानी थी, तभी भी अवार्ड साहब और NCP थे इधर और अभी भी है। अजीब बात लोगों का लाज बांटते नहीं, फक्त मतलब एंड में आते हैं और अपना अपना सिर्फ ऐसा एक अल्टीमेटम में क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। केक तो पूरा रेडी हो गया है, सिर्फ चेरी ऊपर से डालने के लिए आते हैं और अपना क्रेडिट लेके जाते हैं। पर वो यहाँ पे जो सब लोग का गैदर होने का मकसद है वो ये नहीं है कि हम लोग को किसी को कुछ ऐसे थ्रेट करना है या कोई थ्रेट स्प्रेड करना है। ये सिर्फ एक यूनिटी का एक सिम्बॉल है, ये एक यूनिटी का सिम्बॉल है कि NCP पे अवार्ड साहब पे जब भी बात आएंगी तो उनके लोग उनकी जो टीम है वो लॉयल्टी के साथ उनके लिए खड़े रहेगी और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। जब लीडर ने खुद स्टेप लिया है उसके खिलाफ के अधिकारियों ने उठा के लेकर गए मशीन, तो लीडर ने खुद जब बोले कि मैं FIR डालूंगा, लीडर जब ऑलरेडी मैटर को डील कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आके ट्वीट करने के, ट्विटर आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहा है ना, कंगना रनौत कुछ डाल देती है, कुछ कुछ डाल देते हैं, सब BJP के फॉलोअर्स डालते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, बाकी उसका कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ वो सोशल मीडिया 1 से 2 दिन का एक क्रेज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में काम करते हैं ना वो लोग सिर्फ बड़बड़ बोलते नहीं है, वो लोग एक्चुअल में करते हैं, उन्होंने काम किया, अभी आधी चीजें आ भी गई है, आधी लाने के लिए उनकी पूरी कोशिश जारी है। तो ये किस चीज़ के लिए वो लोग इतना हटपट रहे, इतना डेस्परेट हो रहे, डेस्परेट मुमरा में आने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। हम लोग यहाँ पे इसीलिए हैं और एंड तक है।